साल 2018, जगह स्वीडन। एक जगह की खुदाई में लोगों को एक कंकाल मिला। ये कंकाल करीब 4900 साल पुराना था। वैज्ञानिकों ने उस कंकाल के दो दांतों से डीएनए के सैंपल लिए तो उन्हें यर्सेनिया पेस्टिस मिला। ये एक तरह का बैक्टीरिया है। इस कंकाल की मौत का वक्त वही था जो कि यूरोप में आई आबादी की बड़ी गिरावट का था। करीब 5 से 6 हजार साल पहले यूरोप में काफी ज्यादा मौतें हुई, इतनी ज्यादा कि उस वक्त जनसंख्या बढ़ने के बजाय आबादी ही कम हो गई। यर्सेनिया पेस्टिस बैक्टीरिया का उस कंकाल में मिलने से माना गया कि उस आबादी में कमी की वजह यही था, और ये बैक्टीरिया है प्लेग का। कई सौ सालों से प्लेग हजारों, लाखों और शायद करोड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुका है। प्लेग एक संक्रामक रोग है जो कि यर्सेनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है। कीड़ों के जरिए ये बैक्टीरिया और तेजी से फैलता है और फिर इसका शिकार बनता है इंसान। अब तक 3 बार इस प्लेग की महामारी ने दुनिया को खतरे में डाला है। जस्टिनियन का प्लेग 541 एडी, ब्लैक प्लेग 1348 एडी, तीसरी महामारी 1855 एडी। जस्टिनियन का प्लेग इंटरनेशनल ट्रेड के कारण फैली एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया को खतरे में डाल दिया था। इजिप्ट में प्लेग की बीमारी फैलनी शुरू हुई थी और इजिप्ट से दुनिया भर में होने वाले व्यापार के कारण ये बीमारी लोगों से होती हुई बाइजेंटाइन साम्राज्य में फैल गई। साम्राज्य के राजा जस्टिनियन के नाम पर इस महामारी का नाम रखा गया। माना जाता है कि उस वक्त प्लेग ने आधे यूरोप की आबादी का सफाया कर दिया था। ब्लैक प्लेग 14वीं शताब्दी में जब दुनिया तरक्की कर रही थी, कई बड़े शहर बन रहे थे और लोग काम और पैसे के लिए शहरों में आ रहे थे, तब दुनिया के सभी देशों ने शहरों में लोगों की संख्या को संभालने की तैयारी नहीं की थी। ये साफ था कि शहरों में बढ़ती गंदगी के कारण लोग बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। इसी दौरान प्लेग एशिया में शुरू हुआ और एक बार फिर ट्रेड रूट के जरिए चीन और मिडिल ईस्ट होता हुआ यूरोप पहुंच गया। चीन और मिडिल ईस्ट में लाखों लोगों की जान लेने वाली इस महामारी ने यूरोप की एक तिहाई आबादी को खत्म कर दिया, इसीलिए इसे ब्लैक प्लेग कहा जाता है। तीसरी महामारी। प्लेग की तीसरी महामारी भी चीन से शुरू हुई थी। करीब 22 लाख लोगों की जान लेने के बाद ये बीमारी हांगकांग और भारत में भी फैल गई। इस इलाके में करीब 2 करोड़ लोग प्लेग का शिकार बने। शुरुआत में मुंबई जैसे बंदरगाह वाले शहर में ये बीमारी फैली, लेकिन फिर पुणे, कोलकाता और पाकिस्तान के कराची जैसे शहरों में भी इसने अपना कोहराम मचाया। इन बंदरगाहों के जरिए होने वाले व्यापार और लोगों की आवाजाही के चलते अंटार्कटिका को छोड़ हर जगह ये बीमारी फैल गई। ये प्लेग की सबसे ज्यादा फैली महामारी थी। 1863 में स्विट्जरलैंड में जन्मे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रे यर्सन ने प्लेग के बैक्टीरिया को आइसोलेट कर दिया। उन्हीं के नाम पर बैक्टीरिया के एक हिस्से यर्सेनियस पेस्टिस का नाम रखा गया। उनकी ये खोज आगे चलकर प्लेग से लड़ाई में बहुत काम आई। बाद में चलकर प्लेग के लिए वैक्सीन भी बन सकी। आज प्लेग का बड़ी आसानी से एंटीबायोटिक दवाइयों के दम पर इलाज हो सकता है। 1994 एक ऐसा साल था जब प्लेग की बीमारी ने भारत में दोबारा दस्तक दी। इस साल 26 अगस्त से 18 अक्टूबर तक देश में प्लेग का खौफ सताता रहा। देश के 6 राज्यों में 700 के करीब लोग इस बीमारी का शिकार बने
और 56 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आए, उसके बाद गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली का नंबर आया। इस दौरान बीमारी का केंद्र सूरत बना। अकेले सूरत में प्लेग के चलते 52 लोगों की मौत हो गई और लोग शहर छोड़कर भागने लगे। करीब 2 हफ्ते तक सूरत में अफरा तफरी का माहौल रहा। शहर बंद सा हो गया था। प्लेग की बीमारी के लक्षण लोगों को आम तौर पर 1 से 7 दिन में दिखाई देने लगते हैं। प्लेग 2 तरह से होता है, एक न्यूमोनिक और दूसरा ब्यूबोनिक। अधिकतर लोगों में ब्यूबोनिक प्लेग होता है, न्यूमोनिक प्लेग आम तौर पर नहीं होता। न्यूमोनिक प्लेग में लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वहीं ब्यूबोनिक प्लेग में बुखार आने जैसे सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। 2010 से 2015 तक दुनिया भर में प्लेग के 3,248 मामले सामने आए, जिसमें 584 मौतें भी शामिल थीं। प्लेग बीमारी के लक्षण बेहद सामान्य हैं, जिसमें पेट दर्द, दस्त, उल्टी आना, बुखार, ठंड लगना, कमजोरी और थूक में खून आना जैसे लक्षण शामिल हैं। लेकिन इस बीमारी का उपचार साफ सफाई में है। अगर हमने पास के इलाकों में साफ सफाई रखी तो इससे बचा जा सकता है। बड़ी से बड़ी महामारी से बचाव का तरीका सिर्फ एक है, और वो है सफाई। अगर हमने अपने घर, बाहर और उसके आसपास सफाई रखी तो हम ना सिर्फ प्लेग बल्कि किसी भी महामारी को हरा सकते हैं।